है श्री केदार, भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि 12 ज्योतिर्लिंग पर श्रावण प्रवास हुआ और इन श्रावण प्रवासों का पूर्णाहुति श्रावण प्रवास का कार्यक्रम अनुष्ठान तभी पूर्ण होता है जब केदारनाथ के उस तीर्थ क्षेत्र का जल चढ़ जाता है। और 2024 का सावन भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुआ था और वहां से त्रिवेणी का जल लेकर के और केदारनाथ धाम पर आए सदैव की भांति, प्रतिवर्ष की भांति। और भगवान केदारेश्वर को त्रिवेणी का जल, सोमनाथ की त्रिवेणी का जल चढ़ाया और इस प्रकार ये सोमनाथ का द्वादशवा ज्योतिर्लिंग, जो हमारे अनुष्ठान का द्वादशवा ज्योतिर्लिंग है, वैसे तो प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है सोमनाथ को, लेकिन हमारा 12वां श्रावण प्रवास जो ज्योतिर्लिंग पर हुआ पूर्ण हुआ और भगवान केदारेश्वर की बड़ी कृपा हुई कि केदारेश्वर से शुरू हुआ 2012 से श्रावण प्रवास, 2024 में सोमनाथ के श्रावण प्रवास के साथ पूर्ण हुआ। और इसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए भगवान केदारेश्वर की शरण में आए और केदारनाथ भगवान की कृपा से बड़े अद्भुत वातावरण में, बड़े उच्च मानसिक स्थिति में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन हुआ और हम धन्य हो गए भगवान केदारेश्वर के दर्शन करके। इस प्रकार ये 2024 का श्रावण प्रवास अपनी पूर्णता को पहुंचा। और इससे पहले हमारे श्रृंखला में जो 2017 का मल्लिकार्जुन श्रावण प्रवास चल रहा था, आइए उस मल्लिकार्जुन श्रावण प्रवास की बची हुई कड़ियों को फिर से जोड़ें और मल्लिकार्जुन श्रावण प्रवास का पुनः जहाँ से छोड़ा था वहीं से ही प्रारंभ करें। जय बाबा केदार, जय बाबा मल्लिकार्जुन। और एक बात और, ये जो हमने सावन देखा, ये 2024 का सावन था। हर ज्योतिर्लिंग पर श्रावण प्रवास के बाद केदारनाथ आना हुआ है, तो अब हम देखेंगे 2017 का मल्लिकार्जुन श्रावण प्रवास। और मल्लिकार्जुन श्रावण के प्रवास के बाद भी केदारनाथ की यात्रा हुई थी, तो वो 2017 की केदारनाथ यात्रा भी पुनः हम देखेंगे। आइए आनंद लें मल्लिकार्जुन श्रावण प्रवास की मनोरम झांकी का और भगवान भोलेनाथ की, पुनः केदारनाथ की 2017 की यात्रा का। जय मल्लिकार्जुन स्वामी, जय केदार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
जय मल्लिकार्जुन स्वामी। हम मल्लिकार्जुन तीर्थ क्षेत्र के आसपास के 30-30 किलोमीटर परिक्षेत्र में जो भी तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन प्रसन्न के लिए निकले हैं, और उसी श्रृंखला में हम आए हैं पंचधारा तीर्थ, अमरनाथ के मार्ग पर जो पंचतरणी पड़ता है। मल्लिकार्जुन के मार्ग में पंचधारा का वही महत्व है। यह है पंचधारा तीर्थ, यहाँ पंचगंगा के रूप में गंगा जी अवतरित हुई है। जय माँ गंगे। स्थान है कि पूर्वी ओर से मल्लिकार्जुन जाते समय यहाँ से भगवान मल्लिकार्जुन के शीघ्र दर्शन होते हैं, इसीलिए उनका नाम सिद्धेश्वर पड़ गया।
मल्लिकार्जुन से 20 किलोमीटर दूर से शिखरम स्थान से शिखरेश्वर महादेव से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के गोपुरम के दर्शन इस प्रकार से होते हुए ये शिवाजी स्फूर्ति केंद्र साफ नजर आ रहा है 20 किलोमीटर दूर से इस प्रकार ये नजर आ रहा है मल्लिकार्जुन परिक्षेत्र। जय बाबा मल्लिकार्जुन। वो सीढ़ी मार्ग जिससे उतर करके हमने पाताल गंगा में स्नान किया था ये वही यहाँ डैम से इस प्रकार ये दृश्य दिख रहा है। Om Namah Shivaya. 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 Om Nam
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.